अब हम लोग बच्चों आ रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम लोग डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि तीन तरह का टिश्यू सिस्टम होगा। पहले का नाम हमने रखा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और जिसको हमने लास्ट क्लास में बताया। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद जो हमारा टिश्यू सिस्टम होगा उसका नाम होगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब ये समझना ये है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं। तो हमने यहाँ पे तीन डायग्राम बनाया। पहला डायग्राम है ये डायकॉट के स्टेम का, इसका डायग्राम है ये पहला डायकॉट के स्टेम का। ये दूसरा डायग्राम है मोनोकॉट के स्टेम का, हमने यहाँ पे लिखा मोनोकॉट स्टेम। और तीसरा डायग्राम हमने बनाया है एक डायकॉट के रूट का, तो दो स्टेम का और एक रूट का। तो सबसे पहले ये बाहर वाले टिश्यू को, जिसको हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते थे, हम लोग पढ़ चुके। इसका मतलब जो अब हम लोग टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ग्राउंड टिश्यू, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ के होगा। और ये जो टिश्यू जिसका नाम वैस्कुलर बंडल रखे हैं इसको भी छोड़ के होगा, क्योंकि इसको फिर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, उसका नाम रखेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड टिश्यू कहां से कहां एक्सटेंड कर रहा है जरा देखते हैं डायग्राम में। एपिडर्मिस को छोड़ के अब इसके नीचे के सारे सेल को, वैस्कुलर बंडल को छोड़ के एंडोडर्मल के अंदर सारे सेल को क्या नाम देंगे हम लोग, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहां से एक्सटेंड हुआ, तो कहते हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम हाइपोडर्मल सेल या बिलो द एपिडर्मिस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम स्टार्ट्स। कहां से स्टार्ट हो गया, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं, ये इसके अंदर आना शुरू हो गया। एपिडर्मिस को छोड़ दिए तो अब अंदर जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू। और वैस्कुलर बंडल को छोड़ दिए तो बाकी सारे टिश्यू, वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ दिए तो बाकी जितने टिश्यू वो कौन सा टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ग्राउंड टिश्यू का ओरिजिन एम्ब्रियो के किस स्टेज से हुआ। तो कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में तीन स्टेज की बात कर रहे थे, कौन कौन से लेयर की, डर्मेटोजेन, दूसरा नाम बताए थे पेरिब्लेम, और तीसरा नाम बताए थे प्लेरोम, है ना। तो ये जो पेरिब्लेम डर्मेटोजेन ये जो तीन लेयर है ना, इसमें पेरिब्लेम और प्लेरोम ये दोनों ही पार्टिसिपेट करता है किसके बनाने में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बनने में। मतलब एपिडर्मिस के नीचे जो ही हम लोग आते हैं ग्राउंड टिश्यू में, जो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट बना वो किससे बना, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के पेरिब्लेम और प्लेरोम नामक, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तीन लेयर दिख रहा था, एक का नाम रखे थे पेरिब्लेम और दूसरे का नाम रखे थे प्लेरोम। तो इन्हीं दोनों लेयर से, तो कहते हैं पार्शियली डिवाइड फ्रॉम और डिराइव्ड फ्रॉम पेरिब्लेम एंड पार्शियली डिराइव्ड फ्रॉम प्लेरोम, ये दोनों मिलके बनाता है। अब हम लोग आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था उसका नाम रखते हैं हाइपोडर्मिस। क्या नाम रखते हैं इसका, हाइपोडर्मिस नंबर वन। मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पहला पार्ट हो गया एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला सेल, जिसका नाम रखे हाइपोडर्मिस। अब आ जाओ हाइपोडर्मिस किसको कहते थे हम लोग, एपिडर्मिस के नीचे ये जो हम लोग इस कलर से दिखा रहे हैं, इस कलर वाले को हम लोग नाम दे दिए हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल के बाद कुछ एक सेल दिखा रहे हैं, इन सारे सेल को कहते हैं कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाले सेल का नाम रखते हैं एंडोडर्मल सेल। तो ये देखो हम लोग ये कहना शुरू किए कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन डायकॉट स्टेम इज डिफरेंशिएटेड। ये डिफरेंशिएटेड हो गया है किन किन तीन पार्टों में, हाइपोडर्मल सेल में जनरल कॉर्टेक्स, इसको जो कॉर्टेक्स कह रहे हैं इसी का और एक नाम है जनरल कॉर्टेक्स, और उसके बाद हम लोग आते हैं इसके इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस। लेकिन ये जो डिस्कशन कर रहे थे तो ये डायकॉट के स्टेम का कर रहे थे। तो जब हम लोग डायकॉट के स्टेम को देख रहे हैं तो एक बार हम लोग पूरी तरह से डायकॉट के स्टेम को समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग मोनोकॉट के स्टेम को समझेंगे। तो ये पैरेलल हम लोग एनाटॉमी ऑफ स्टेम, डायकॉट एंड मोनोकॉट और एनाटॉमी ऑफ रूट, ये मेरा पैरेलल होता चला जाएगा। मीनिंग बाय वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के खत्म होते होते
हमारे पास एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ मोनो स्टेम भी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या है, सिर्फ इन बातों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप लेते हैं। हमने क्या कहा, ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मिस, एक डाइकॉट के स्टेम को देख रहे हैं। हाइपोडर्मिस किसको कहते, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले लेयर का नाम रखे थे। हाइपो शब्द का मतलब बताए थे बिलो, और डर्म शब्द का मतलब बताए थे स्किन। स्किन में जस्ट नीचे वाले सेल को कहते हैं हाइपोडर्मिस। अब हम लोग आते हैं हाइपोडर्मिस डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों जगह पे डायग्राम में दिखा रहे हैं। हाइपोडर्मिस सेल को देखो, डाइकॉट में भी दिखा रहे हैं, मोनोकॉट में भी दिखा रहे हैं, लेकिन डाइकॉट और मोनोकॉट में इसका नेचर डिफर कर रहा है। ये किस चीज का बना हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाइकॉट के केस में ये कोलेन काइमेटस सेल्स का बना हुआ है, कोलेन काइमा का बना हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट किसका बना हुआ है, ये मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है। डाइकॉट के स्टेम में क्या बताया बच्चों हम लोग, डाइकॉट के स्टेम में हाइपोडर्मल सेल किस टिश्यू का बना हुआ है, तो तुम क्या आंसर दोगे, कोलेन काइमा। कोलेन काइमा हम लोग पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, जिसके कॉर्नर्स में थिकनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, कोलेन काइमा। फिर हम लोग आते हैं मोनोकॉट में, मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मल सेल इस क्लेरेन काइमा का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, इस क्लेरेन काइमा का बना हुआ है। ये क्वेश्चन है जो मेडिकल में कई बार आया है। हम लोग पहला हम लोग देखे व्हाट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हमने क्या कहा एपिडर्मिस के अंदर और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ के जितने टिश्यू हैं दे आर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फिर हमने कहा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड, ये क्या हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है इनटू हाइपोडर्मल सेल, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मल सेल। किन तीन सेल में डिफरेंशिएट किए इसको, हाइपोडर्मल सेल, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मल सेल। अब हाइपोडर्मिस पे हम लोग आ गए और हाइपोडर्मिस से रिलेटेड दो क्वेश्चंस बता रहे हैं। दो क्वेश्चंस मेडिकल में आता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, डाइकॉट के स्टेम में, ये डाइकॉट का स्टेम है और ये मोनोकॉट का स्टेम है, डाइकॉट के स्टेम में हाइपोडर्मल सेल किसका बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा, ये कोलेन काइमा का बना हुआ है जिसके कॉर्नर्स में थिकनिंग होती है। और जो ही हम लोग आते हैं मोनोकॉट के स्टेम में, हम लोग क्या कहते हैं, ये इस क्लेरेन काइमा का बना हुआ है। स्किन काइमा के बारे में बताए थे, ये डेड टिश्यू है और ज्यादा स्ट्रांग है। मोनोकॉट को ज्यादा स्ट्रांग टिश्यू की जरूरत है क्योंकि वो बहुत दुबला पतला प्लांट है। तो इन केस ऑफ मोनोकॉट हाइपोडर्मल सेल इज मेड अप ऑफ, हाइपोडर्मल सेल किसका बना हुआ होगा, तो हम लोग कहेंगे इन केस ऑफ मोनोकॉट हाइपोडर्मल सेल इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू। दो बातें हो गई, बिल्कुल क्लियर, अलग अलग याद रखना है। लेकिन अगर हम लोग रूट की बात करें तो कहेंगे रूट में हाइपोडर्मल सेल नामक कोई सेल होता ही नहीं है। मतलब कोई हाइपोडर्मल सेल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाइपोडर्मल सेल या तो कोलेन काइमा का या स्क्लेरन काइमा का बना हुआ है। जब हम लोग रूट की बात करते हैं तो रूट में, रूट को सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक बात बताए थे ना कि रूट कहाँ है, रूट तो मिट्टी के नीचे है, मिट्टी के नीचे तो ऑलरेडी वो सॉइल से दबा हुआ है, इसको अब अलग से कोई सपोर्टिव टिश्यू की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हाइपोडर्मल सेल नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, हाइपोडर्मल सेल नहीं मिलता है। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, हाइपोडर्मल सेल के बाद डाइकॉट के स्टेम में कई लेयर का जनरल कॉर्टेक्स मिलता है, कई लेयर का मिलता है, तीन चार पांच छह लेयर का दिख रहा होता है, कौन, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कई लेयर का बना होता है। अब फिर तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा कि ये कॉर्टेक्स में कौन सा सेल है, तो फिर हम लोग बताएंगे कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा का बना है, किसका बना हुआ है, ये पेरेन्काइमा का बना है। अब यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है। तो यहां तो हम लोग कह रहे हैं कि जनरल कॉर्टेक्स, जिसका नाम दिए, ग्राउंड टिश्यू का ये पार्ट था तो ग्राउंड टिश्यू में डिफरेंशिएशन दिख रहा था। मोनोकॉट के स्टेम में सेकेंड लेयर का नाम हम लोग क्या रखे, हाइपोडर्मल सेल, मोनोकॉट के स्टेम में ये स्क्लेरन काइमा का बना हुआ था। लेकिन अब हम लोग कहे हाइपोडर्मल सेल के बाद कई लेयर का जनरल कॉर्टेक्स डाइकॉट के स्टेम में दिख रहा था, और
अब इसके अंदर वाले सेल का नाम रखे एंडोडर्मिस। किसके अंदर वाले सेल का नाम? डाइकॉट के स्टेम में कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या रखा गया? बोलो क्या नाम रखे हम लोग? इनर मोस्ट लेयर को हमने नाम दिया एंडोडर्मिस। एंडो मतलब इनसाइड, डर्म मतलब स्किन, स्किन का अंदर वाला पोर्शन। क्या नाम दे दिया इसका हम लोग? एंडोडर्मिस। दो बातें हो गई। लेकिन जब हम लोग मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? सिर्फ इसमें हाइपोडर्मल सेल मिला और जनरल कॉर्टेक्स मिला। ये जनरल कॉर्टेक्स एक एक तरफ से शुरू करते हैं और दूसरे तरफ चले जाते हैं, मतलब इट एक्सटेंड फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। और यहां पे कोई एंडोडर्मल सेल में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, एंडोडर्मल सेल में डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है। किसके केस में? हम लोग कहेंगे मोनोकॉट के स्टेम में। तो ग्राउंड टिश्यू को फिर से हम लोग देखना शुरू किए। ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इंटू हाइपोडर्मल सेल, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मल सेल, है ना? इन तीन सेल्स में डिफरेंशिएशन दिखा है। लेकिन हम लोग मोनोकॉट में क्या बोले? मोनोकॉट में ये सिर्फ दो ही टिश्यू में डिफरेंशिएट हो रहा है। किसमें? किसमें? एक हाइपोडर्मल सेल और दूसरा जनरल कॉर्टेक्स। और मोनोकॉट में, मोनोकॉट के स्टेम में कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर रहा है कहां से कहां? फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ये एक्सटेंड कर रहा है। जबकि डाइकॉट के स्टेम में ये कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के एंड पे अंतिम में एक और टिश्यू में ये डिवाइड हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है, जिस टिश्यू का नाम रखे एंडोडर्मल सेल। एंडोडर्मल सेल के अंदर अब फिर एक और लेयर दिख रहा है जिसका नाम है पेरिसाइकिल। क्या नाम है इसका? पेरिसाइकिल। लेकिन डाइकॉट के स्टेम में हम लोग क्या कहेंगे? डाइकॉट के स्टेम में ऐसा कोई पेरिसाइकिल नहीं है, मतलब कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। कॉर्टेक्स सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक हाइपोडर्मल सेल और दूसरा जनरल कॉर्टेक्स में। लेकिन हम लोग डाइकॉट के स्टेम की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? ये हाइपोडर्मल सेल, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मल सेल में डिफरेंशिएट हो गया। ये तीन तरह के सेल में क्या हो चुका है? डिफरेंशिएट हो चुका। अब हम लोग आते हैं, ये जो एंडोडर्मल सेल दिखा रहे हैं ना, इसका नाम है एंडोडर्मिस। क्या नाम है इसका? एंडोडर्मिस। क्यों नाम ऐसा पड़ा? एंडो मतलब इनसाइड और डर्म मतलब स्किन, इसीलिए इसका नाम पड़ा एंडोडर्मिस। जब हम लोग एंडोडर्मिस की बात कहते हैं तो हम लोग कहते हैं दिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। किसका इनर मोस्ट लेयर है? कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है। फिर बताओ किसका इनर मोस्ट लेयर है? कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है। तो एंडोडर्मिस के बारे में कहेंगे, एंडोडर्मिस डाइकॉट के स्टेम में तो दिख रहा है, मोनोकॉट के स्टेम में एंडोडर्मल सेल नहीं है। लेकिन ज्यों ही हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट रूट को देखते हैं तो कहते हैं देयर इज ए प्रोमिनेंट एंडोडर्मल सेल। एंडोडर्मल सेल स्टेम के कंपैरिजन में रूट में ज्यादा क्लियर, ज्यादा डिस्टिंग्विश और ज्यादा डेवलप कर चुका है। तो हम लोग अब एंडोडर्मल सेल की बात कर रहे हैं, किसके? रूट में एंडोडर्मल सेल ये दिखा रहे हैं। एंडोडर्मल सेल कैसा होता है? वेल डेवलप हो चुका है, वेल डिफरेंशिएटेड हो चुका है। तो फिर से हम लोग आ गए, ग्राउंड टिश्यू में डिफरेंशिएशन दिख रहा था हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल के बारे में दो पॉइंट जाने, क्या क्या जाने रिपीट करो। डाइकॉट के स्टेम में ये कोलेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, जबकि मोनोकॉट के स्टेम में ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। पहली बात हो गई, मोनोकॉट के केस में किस टिश्यू का बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ है, जो कि डेड टिश्यू है। फिर आते हैं जनरल कॉर्टेक्स। कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स कई लेयर का हो सकता है डाइकॉट के स्टेम में, लेकिन मोनोकॉट के स्टेम में ये एक एरिया से दूसरे एरिया तक एक्सटेंड हो रहा है। कहीं से भी शुरू करेंगे तो ये एक कॉर्नर से सेल के दूसरे कॉर्नर तक एक्सटेंड हो रहा है और ये एंडोडर्मल सेल में डिफरेंशिएटेड नहीं है। फिर हम लोग अंदर आते हैं,
जनरल कॉर्टेक्स नॉर्मली किस टिश्यू का बना हुआ है? तो कहते हैं ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है, जिसका मेन काम होता है टू स्टोर फूड मटेरियल। फिर हम लोग आ गए इसके इनर मोस्ट लेयर का नाम रखा गया एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के बारे में क्या जानते हैं? एंडोडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम बट वेल डेवलप इन रूट। लेकिन रूट में तो ये बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है, लेकिन कहां नहीं मिल रहा है? मोनोकॉट के स्टेम में ये नहीं दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं एंडोडर्मल सेल के अंदर लेयर है पेरिसाइकिल का। इस लेयर का नाम क्या रखें हम लोग? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बारे में फिर बताएंगे, ये सिंगल लेयर भी हो सकता है और कई पैचेस में। हम लोग पैचेस का मतलब होता है दो तरह के टिश्यू के जुड़ने से बन सकता है। जैसे ये पोर्शन दिखा रहे हैं, ये है कोलेनकाइमा और इसको दिखा दिए ये है स्क्लेरेनकाइमा। फिर हम लोग दिखा दिए ये पोर्शन है कोलेनकाइमा, मतलब ये जो पेरिसाइकिल दिखा रहे हैं। तो फिर पेरिसाइकिल को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं किसके अंदर में? तो पेरिसाइकिल को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और दो पॉइंट फिर बताएंगे कि पेरिसाइकिल एक लेयर का भी बना हो सकता है या ये पैचेज में कुछ पोर्शन कोलेनकाइमा का, कुछ पोर्शन स्क्लेरेनकाइमा का, कुछ पोर्शन कोलेनकाइमा का, कुछ पोर्शन स्क्लेरेनकाइमा का, इस तरह से पैचेज में भी दिखाई दे सकता है। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग, तो एक नया टर्म बता रहे हैं हम लोग, उस टर्म का नाम है स्टीली। सेंट्रल पोर्शन ये जो दिख रहा है ना एंडोडर्मल के अंदर से जो पोर्शन दिख रहा है जिसका नाम है पेरिसाइकिल, इस पूरे पोर्शन को हम लोग एक नाम दे सकते हैं और वो नाम है स्टीली। क्या नाम है वो? स्टीली। स्टीली कौन सा पोर्शन हो गया? हम लोग कहते हैं सेंट्रल पोर्शन, एंडोडर्मल सेल के अंदर जो पहुंचे जो सेंट्रल पोर्शन दिख रहा था, इस सेंट्रल पोर्शन का नाम रखे हम लोग स्टीली। तो स्टीली के बारे में फिर देखना शुरू किए, ये कंसिस्ट ऑफ पेरिसाइकिल। अब देखो यहां पे पेरिसाइकिल दिख रहा है, पेरिसाइकिल के बारे में क्या पता है? एंडोडर्मल सेल से अटैच्ड इंटरनली उस टिश्यू को जो बिल्कुल साइकिल के चक्के की तरह दिख रहा है, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ, इसका नाम क्या रखे हम लोग? पेरिसाइकिल। क्या नाम रखे इसका हम लोग? पेरिसाइकिल। अब जरा सा पेरिसाइकिल को ऑब्जर्व किए हम लोग और अंदर आना शुरू किए। अंदर अब ये जो दिख रहा है ना, ये वैस्कुलर टिश्यू है। तो जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे तब हमारे लिए वो टॉपिक हो जाएगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हम लोग अभी देख रहे थे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और साथ साथ हम लोग देखेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हम लोग टिश्यू सिस्टम को अभी शुरू किए हैं और अभी इसको हम लोग फिनिश कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या क्या हम लोग सीखे अब तक? पहला देखे, ग्राउंड टिश्यू इज, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मल सेल। और हाइपोडर्मल सेल पे जब आए तो हम लोग पहला रुके और कहे हाइपोडर्मल सेल डाइकॉट के स्टेम में कोलेनकाइमा का बना हुआ है, मोनोकॉट के स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, और रूट में जब पहुंचे तो कहे रूट में हाइपोडर्मल सेल मिलता ही नहीं है। तीन बात हो गई, फिर वापस आते हैं। जनरल कॉर्टेक्स की बात बोल रहे थे, हाइपोडर्मल सेल के अंदर वाले सेल को कहते हैं कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स ज्यादातर पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ज्यादातर ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। और जब ये पेरेन्काइमा का बना होगा तो तुमको काम मालूम हो गया, ये मेन फंक्शन पेरेन्काइमा का क्या होता है? टू स्टोर फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है। तो ये पेरेन्काइमेटस होता है। और फिर हम लोग क्या बताए, इसी जनरल कॉर्टेक्स के अंदर वाले सेल का नाम क्या रखे हैं? एंडोडर्मिस। क्या नाम रखे हम लोग इसका? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बारे में फिर हम लोग क्या बताए, एंडोडर्मिस स्टेम में डाइकॉट स्टेम में तो दिख रहा है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में कहेंगे कॉर्टेक्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोडर्मल सेल। और यहां कहते हैं कॉर्टेक्स रन फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, ये पूरे कॉर्नर में पहुंच गया है। कॉर्टेक्स क्या क्या है? एक कॉर्नर से शुरू करते हैं तो दूसरे कॉर्नर तक पहुंच गया। और फिर हम लोग आते हैं इसके बाद, फिर कहते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल भी यहां पे हम लोग देख रहे हैं, पेरिसाइकिल भी यहां पे एक डाइकॉट के स्टेम में क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन मोनोकॉट में ये नहीं दिख रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एंडोडर्मल सेल और पेरिसाइकिल मोनोकॉट के स्टेम में क्यों नहीं है? तो हम लोग कहते हैं ये जो छोटा छोटा डायग्राम बना है ना,
ये वैस्कुलर बंडल है और ये बड़ा सा वैस्कुलर बंडल है। तो वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट के स्टेम में पूरे ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड हो गया है, फैल गया है, चारों तरफ फैल गया है, जबकि डायकॉट में ये एंडोडर्मल सेल के वाले रिंग में अरेंज्ड हो गया है। तो हम लोग ये बड़ा रीजन होता है, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन, तो आंसर हम लोग देते हैं द रीजन बिहाइंड इज दैट वैस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। और जब ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड हो गया तो एंडोडर्मल सेल और पेरिसाइकिल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए ओइंग टू द स्कैटर्ड अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल देयर इज नो एंडोडर्मल सेल। कोई भी एंडोडर्मल सेल यहाँ पे क्यों नहीं है, ये समझ में आ गई बात? एंडोडर्मल सेल इसलिए नहीं है क्योंकि वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हो गया है, चारों तरफ फैला हुआ दिख रहा है। तो हम लोग वैस्कुलर बंडल के बारे में अभी नहीं आ रहे हैं, अभी हम लोग ग्राउंड टिश्यू ही देख रहे थे। तो ग्राउंड टिश्यू के बारे में हम लोग आए, रूट में जब हम लोग पहुंचते हैं तो एंडोडर्मल सेल हमको दिख रहा है, बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। और रूट का एंडोडर्मल सेल हम लोग अगर एक डायग्राम बनाए तो ये देखो कैसा बनेगा, रूट का एंडोडर्मल सेल ये हम लोग जब बनाएंगे तो कहेंगे दे आर मोर प्रोमिनेंट, बहुत प्रोमिनेंट है ना। और ये जो डायग्राम बना रहे हैं इससे तुमको इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा। बेसिकली ये एंडोडर्मल सेल को बना दिए हम लोग, मतलब ये जो एंडोडर्मल सेल यहां पे दिख रहा था उसी का एक बड़ा डायग्राम बना दिए। जब एंडोडर्मल सेल की बात करते हैं तो रूट में रुकते हैं और समझाते हैं और कहते हैं इन केस ऑफ रूट एंडोडर्मल सेल इज मोर प्रोमिनेंट देन दैट ऑफ ए स्टेम। अगर स्टेम से, डायकॉट के स्टेम से कंपेयर करें तो रूट में चाहे डायकॉट रूट हो या मोनोकॉट रूट हो, दोनों ही जगह पे एंडोडर्मल सेल कैसा होता है, बहुत ज्यादा डेवलप होता है। अब ये कैसा होता है यहीं पे हम लोग रुकते हैं और इसको जरा डिस्कस करते हैं, है ना। ये देखो एक एंडोडर्मल सेल का शेप जो है ना, इसको कहते हैं बैरल शेप। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन पे जब एंडोडर्मिस की बात होती है तो तुम्हारे दिमाग में 7 क्वेश्चन आना चाहिए, 7 पॉइंट्स आना चाहिए। क्या क्या है? पहले इसका शेप, देखने में एक एक सेल बैरल शेप्ड है, बंदूक की गोली जिससे निकलती है उसको बैरल कहते हैं ना, उसके अंदर का शेप बिल्कुल ऐसा ही होता है ताकि गोली जब निकलती है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में बाहर जाए, इसीलिए उस अंदर वाले शेप की तरह हो रहा है, हम लोग इसका नाम रखे बैरल शेप। दूसरा, जब ये एक दूसरे से फिट कर रहा था, अरेंज हो रहा था, तो बहुत क्लोजली फिटेड है। क्या है? बहुत ही क्लोजली फिटेड है, इतना क्लोज है कि इनके बीच में स्पेस है ही नहीं। क्या नहीं है? इंटर सेलुलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट, इनके अंदर बीच में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है। ये दो बातें हो गई। तीसरी, इसके अंदर ये लाइन जो है ना, इसको कहेंगे रेडियल वॉल और इसको बोलेंगे इनर वॉल और इसको बोलेंगे आउटर वॉल। तो कहते हैं इनर वॉल एंड रेडियल वॉल आर थिक, जिसका जो इनर वॉल है ना वो, और जो रेडियल वॉल है वो, इसको रेडियल वॉल बोलेंगे, ये दोनों थिक होता है। थिकनिंग एक वैक्सी लेयर सुबेरीन के चलते होती है, डिपोजिशन किसका हो जाता है, सुबेरीन नामक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन हो जाता है ना। और इसके अंदर में स्टार्च ग्रेन, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम लोग एक रूट के एंडोडर्मल सेल के बारे में बता रहे हैं, इसको फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट जब डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग इसको बता रहे हैं और फिर एनाटॉमी में इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग रूट डिस्कस करेंगे तो लिखेंगे भी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं अभी हम लोग, कि रूट का एंडोडर्मल सेल इज मोर डिफरेंशिएटेड और डेवलप देन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ डायकॉट स्टेम। डायकॉट स्टेम के कंपैरिजन में रूट, चाहे डायकॉट हो या मोनोकॉट हो, इसका एंडोडर्मल सेल ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है और इसके इनर और रेडियल वॉल में थिकनिंग होती है। देखने में ये बैरल शेप्ड होता है, कैसा होता है, बैरल शेप्ड होता है। थिकनिंग एक वैक्सी लेयर के चलते होती है, उस वैक्सी लेयर का नाम क्या है, सुबेरीन, और इसको जो साइंटिस्ट सबसे पहली बार ऑब्जर्व किए थे उनका नाम था कैस्पेरी। ये सारी बातें हम लोग लिखेंगे, अभी हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं, हमको अभी ग्राउंड टिश्यू देखना है, लेकिन जब एनाटॉमी पे आएंगे, रूट स्टेम लीफ पे, तो इन पॉइंट को फिर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और लिखेंगे भी।
अभी हम लोग ये जो बता रहे हैं इसको सिर्फ सुनना है और बाद में ये पूरी चीजें लिखी हुई तुमको दिखाई देंगी। तो इनर और रेडियल वॉल ठीक है, थिकनिंग सुबेरीन के चलते है। इसके बारे में जो साइंटिस्ट बताया उनका नाम क्या था? कैस्पेरी। इसीलिए ये स्ट्राइप और पट्टी के रूप में दिख रहा है, हम लोग इसका नाम रख दिया कैस्पेरियन स्ट्राइप। क्या नाम रख दिया इसका? कैस्पेरियन स्ट्राइप। और इसके अंदर में ये जो ग्रेन्स देख रहे हैं, दाना देख रहे हैं ना, ये स्टार्च का दाना है, इसीलिए कहते हैं इसको स्टार्च ग्रेन। और ये बॉडी स्टार्च ग्रेन को रिटेन कर रहा है ना, हम लोग इसका नाम रखे स्टार्च शीथ। शीथ मतलब कवरिंग। क्या नाम रखे इसका हम लोग? स्टार्च शीथ। तो क्या क्या पॉइंट जाने हम लोग? एंडोडर्मल सेल रूट में वेल डिफरेंशिएटेड है। दूसरी बात हम लोग क्या बताए? दूसरी बात बताए एंडोडर्मल सेल बैरल शेप्ड है। तीसरी बात बताए आपस में क्लोजली फिटेड है। चौथी बात बताए इनर और रेडियल वॉल थिक है और थिकनिंग किसके चलते है? सुबेरीन केमिकल सब्सटेंस के चलते है। और ये कितना क्लोजली फिटेड है? इतना ज्यादा कि इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। और फाइनली इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स दिख रहा है, इसीलिए इसको स्टार्च शीथ भी कहा गया। तो देखो ग्राउंड टिश्यू में हम लोग अभी क्या क्या देखे? अभी जो हम लोग ग्राउंड टिश्यू देख रहे हैं ना, इस ग्राउंड टिश्यू को हम लोग रूट और स्टेम का ग्राउंड टिश्यू ही पढ़ पा रहे हैं। लीफ के ग्राउंड टिश्यू को एनाटॉमी ऑफ लीफ जब पढ़ेंगे उस समय हम लोग डिस्कस कर देंगे, तो ये पूरा ग्राउंड टिश्यू तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो ग्राउंड टिश्यू को पढ़ने के लिए हमको जरूरत पड़ रही है किसकी? एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ रूट। डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों के रूट को देखना होता है, लेकिन डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट का कैरेक्टर में बहुत कम डिफरेंस होता है, इसीलिए एक ही रूट बनाए हैं डाइकॉट का, और इसी से हमारा पूरा काम चल रहा है। तो हम लोग अब आते हैं और फिर से इसको विजुलाइज करते हैं। ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इंटू जनरल, क्या नाम देंगे सबसे पहले? इंटू हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल के बारे में क्या बोले? हाइपोडर्मिस। इसके बारे में दो बातें बताएं, एक मोनोकॉट में स्टेम में और डाइकॉट के स्टेम में। डाइकॉट के स्टेम में ये कोलेन कायमा का बना हुआ है, मोनोकॉट के स्टेम में ये स्क्रेन कायमा का बना हुआ है। उसके बाद कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स, है ना, हम लोग बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मल सेल देन जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स कई लेयर का होगा, इसके सेल्स पेरेन्काइमेटस होंगे, पेरेन्काइमा का बना होगा, और इनर मोस्ट लेयर का नाम एंडोडर्मिस रखा गया। एंडोडर्मल सेल डाइकॉट के स्टेम में तो मिला, लेकिन मोनोकॉट के स्टेम में ये नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एंडोडर्मल सेल में वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट के चलते ये स्कैटर अरेंजमेंट हो गया, इसीलिए कॉर्टेक्स का एंडोडर्मल सेल नहीं बन पाया और पेरिसाइकिल भी नहीं बन पाया। फिर हम लोग एंडोडर्मल सेल के बारे में और एक पॉइंट बताए कि स्टेम के कंप्रेशन में रूट में एंडोडर्मल सेल ज्यादा कैसा होगा? डिफरेंशिएटेड होगा, ज्यादा डेवलप होगा। किसके केस में? रूट के केस में ये ज्यादा वेल डेवलप होगा। फिर हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। एंडोडर्मल सेल के बाद अंदर एक और लेयर मिल रहा है जिसका नाम रखते हैं पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बारे में दो बात बताए, या तो ये सिंगल लेयर का बना होगा कोलेनकाइमा, या तो ये पैचेस में बना होगा स्क्रेनकाइमा और कोलेनकाइमा या पेरेन्काइमा का पैचेस हो सकता है, तो ये पैचेस में मिल सकता है। और रूट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बात आती है, ये दिखा रहे हैं लैटरल रूट बॉडी से। जब एक रूट बनता है तो उसमें लैटरल रूट का डेवलपमेंट होता है, ये लैटरल रूट पेरिसाइकिल से ही निकलता है। रूट के केस में इस रूट का नाम क्या रखें हम लोग? जो मेन रूट होता है ना, उससे जो लैटरल रूट साइड में रूट निकलता है ये पेरिसाइकिल से ही निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग एंडोजेनस इन ओरिजिन कहते हैं। एंडो मतलब इन साइड। तो हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, एंडोजेनस, एंडो मतलब इनसाइड। हम लोग फिर बता रहे हैं पेरिसाइकिल के बारे में कि रूट के केस में पेरिसाइकिल से लैटरल, एक रूट की कल्पना करो, ये रूट है, और सोचो इससे रूट से फिर लैटरल रूट भी तो साइड से निकल रहा है ना, तो वो जो लैटरल रूट निकल रहा है वो बिल्कुल अंदर से, अंदर में पेरिसाइकिल से निकल रहा है ना। तो पेरिसाइकिल से निकलने के चलते, ये मेडिकल में बहुत बार क्वेश्चन आया है,
लैटरल रूट्स आर एक्सोजेनस एंडोजेनस, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, दे आर एंडोजेनस इन ओरिजिन। ये कैसा होगा, एंडोजेनस होगा ओरिजिन में। तो लैटरल रूट्स आर ऑलवेज एंडोजेनस इन ओरिजिन। तो फिर साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, फिर हम लोग आते हैं इनसाइड। इनसाइड डायकॉट के स्टेम के बीच वाले अंदर वाले पोर्शन का नाम रखते हैं पिथ। क्या नाम रखें इसका हम लोग, पिथ। और ऐसे इन टोटल हम लोग एंडोडर्मल सेल के अंदर के टोटल पोर्शन का नाम रख दिए थे स्टीली। सेंट्रल पोर्शन ऑफ प्लांट इज बेटर कॉल्ड एज स्टीली। तो स्टीली क्या हुआ, सेंट्रल पोर्शन ऑफ प्लांट को हम लोग स्टीली का नाम दिए। और इसके सेंट्रल पोर्शन का अब एक और नाम दे रहे हैं, इस पूरे पोर्शन को स्टीली कहे, अब इसमें जो बीच का पोर्शन था इसका नाम दे दिए पिथ। पिथ में जो सेल्स दिखा रहे हैं ये पेरेनकाइमेटस सेल्स है, मतलब ये पेरेनकाइमा का बना हुआ है। कौन सा सेल है, ये पेरेनकाइमा का बना हुआ सेल दिख रहा है। और पिथ से कुछ सेल दोनों वैस्कुलर बंडल के बीचों बीच भी रन कर रहा है। वैस्कुलर बंडल है, पिथ है, पिथ से सेल बढ़ रहा है, तो ये ग्रो कर रहा है टूवर्ड्स वैस्कुलर बंडल के बीचों बीच। देखने में ये रे के समान नजर आ रहा है, इसीलिए इन सारे सेल्स को नाम दिया गया पिथ रे। क्या नाम दिया गया इसका, पिथ। चूंकि सेंट्रल पोर्शन को पिथ बोला गया, पिथ से ये बाहर रे की तरह किरण की तरह है ना निकल रहा था, नाम दे दिए पिथ रे। या इसका नाम दे दिए मेडुलरी रे, चूंकि पिथ मिडल पोर्शन था और यहां से ये निकल रहा था सेल, हम लोग इसका नाम रखे मेडुलरी रे। तो पिथ और पिथ के अलावे मेडुलरी रे दिख रहा था। इसके बाद हम लोग देख रहे थे वैस्कुलर बंडल। तो अब हम लोग आ जाते हैं, वैस्कुलर बंडल का मतलब हो गया जाइलम और फ्लोएम। तो ये अब तीसरे टिश्यू पे हम लोग आ रहे हैं, उस तीसरे टिश्यू का नाम क्या होगा। हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखे और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखे, तीसरा जो टिश्यू सिस्टम होगा वो कौन सा होगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो यहां पे हम लोग इसको नंबरिंग कर दिए, थर्ड नंबर हो गया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जब हम लोग वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो दो केस दिखता है, क्या क्या दिखता है जरा ध्यान से देखो। पहला, जाइलम और फ्लोएम या तो अलग अलग है, ये रूट का केस है, या जाइलम और फ्लोएम एक ही घर में है, एक ही मकान में है, ये स्टेम का केस है। स्टेम में देखो, एक स्टेम में जाइलम है, ये छोटा छोटा दिखा रहे थे, और इसको दिखा रहे हैं फ्लोएम। इन दोनों के बीच में एक लकीर दिखा रहे हैं जिसका नाम लिखे हैं कैम्बियम। इस पूरे को कह दिए वैस्कुलर बंडल, है ना। तो अब आ जाओ जाइलम और फ्लोएम। तो इसी वैस्कुलर बंडल को हम लोग डिस्कशन करेंगे अंडर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसका नाम क्या रखें हम लोग, वैस्कुलर बंडल। मतलब जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर आर कॉल्ड एज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हम लोग अब यहां पर क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं देखते जाओ। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ रहता है तब ऐसे वैस्कुलर सिस्टम को कहते हैं कंजॉइंट। एक साथ है दोनों, कैसा है दोनों, एक साथ है, तो टर्म क्या हो जाएगा, कंजॉइंट। तो यहां पे हम लोग दिखा रहे हैं वैस्कुलर बंडल में एक सा वैस्कुलर बंडल, इसका नाम क्या दे देंगे, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। लेकिन जब हम लोग रूट की बात कर रहे हैं तो जरा सा देखना, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है ये फ्लोएम है, ये जाइलम है ये फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या एक साथ है, तो रूट के केस में बोलेंगे नहीं, ये अलग अलग रेडियस पे, देखो इसका रेडियस अलग है जाइलम का, फ्लोएम का रेडियस अलग है, फिर जाइलम का रेडियस अलग है, फिर फ्लोएम का रेडियस अलग है। तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है, इसीलिए ऐसे वैस्कुलर बंडल को रेडियल वैस्कुलर बंडल कह दिए। क्यों कहे, समझ में आया, ये रटने वाली बात नहीं है, समझना है, हम लोग दिखा रहे हैं रेडियस दिखा रहे हैं ना। ये देखो सेंटर लाइन से ही जाइलम एक रेडियस पे है, फ्लोएम दूसरे रेडियस पे है, ये भी फ्लोएम तीसरे रेडियस पे है, ये जाइलम चौथे रेडियस पे है। मतलब जाइलम और फ्लोएम कहां है, अलग अलग रेडियस पे है। जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हो त
तब हम लोग वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब जरा ये बताओ, रेडियल वैस्कुलर बंडल हम लोगों ने कहाँ ऑब्जर्व किया? रेडियल वैस्कुलर बंडल हम लोगों ने रूट में देखा, लेकिन स्टेम में क्या देख रहे थे? फिर ध्यान से देखना, स्टेम के केस में जाइलम और फ्लोयम देखो एक ही रेडियस पे है और एक बंडल के अंदर है। इसका नाम रखे हम लोग कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। क्या नाम रखे इसका हम लोग? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। अब जरा सा इस स्टेम को भी देखो, ये मोनोकॉट स्टेम है, यहां भी ये छोटा और ये दोनों जाइलम दिखा रहे हैं। एक्स एक्स लिख दिए, ये सब जाइलम है, और पी लिख दिए, ये फ्लोयम है। यहां भी जाइलम और फ्लोयम एक ही बंडल के अंदर है, इसीलिए इसको भी क्या नाम देंगे? कंजॉइंट। तो देखो पहला टर्म क्या हो गया? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, चाहे वो डायकॉट का स्टेम हो या वो मोनोकॉट का स्टेम हो, वैस्कुलर बंडल एक ही बंडल के अंदर, इसका नाम दे दिए कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। लेकिन रूट में क्या देखे? जाइलम और फ्लोयम अलग अलग रेडियस पे है, इसलिए ऐसे वैस्कुलर बंडल को रेडियल वैस्कुलर बंडल का नाम दिए। क्या नाम दे दिए इसको? रेडियल वैस्कुलर बंडल। फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एक डायकॉट के स्टेम में ये छोटा वाला जाइलम का नाम रखे हैं प्रोटोजाइलम। ये पहले क्लास में हम लोग समझाए थे, छोटे डायमीटर को कहा गया प्रोटोजाइलम और बड़े वाले डायमीटर का नाम क्या रखा गया? मेटाजाइलम। अब तुम देख के बताओ, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है या सेंटर से दूर है? देख के बताओ, तो क्या आंसर दोगे? वेरी गुड बच्चों, आंसर हो गया प्रोटोजाइलम किधर है? सेंटर की तरफ है ना। जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो तो हम लोग कहते हैं, यहां भी जो अरेंजमेंट होगा ना, तो उसको कहते हैं, वो ऐसा ही दिखाएंगे हम लोग, सारा प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा, हम लोग टर्म यूज करेंगे एंडार्ज। क्या टर्म यूज किए? एंडार्ज, है ना। एन मतलब होता है इनसाइड। जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता हो इसको कहते हैं एंडार्ज। ये कहां मिलेगा? स्टेम का कैरेक्टर होगा। ये किसका कैरेक्टर होगा? स्टेम का कैरेक्टर होगा। अब हम लोग आते हैं रूट में। अब फिर यहां से देखो, इसमें प्रोटोजाइलम कहां है? ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, तो ये कहां है? सेंटर पे। पेन को रखें और जरा ऑब्जर्व करो, ये सेंटर से दूर है, डिस्टेंस पे है, मतलब टुवर्ड्स पेरिफेरी है। तो और स्टेम में कहां दिख रहा था? ये टुवर्ड्स सेंटर है। प्रोटोजाइलम कहां है? सेंटर की तरफ है। मेटाजाइलम सेंटर से दूर है। तो जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो तो कहते हैं एन मतलब इनसाइड एंडार्च, और जब वो दूर हो तब इसका नाम क्या रखेंगे? एक्सार्च। तो ये नाम क्या हो गया? एक्सार्च। तो व्हेन प्रोटोजाइलम, अब आंसर तुम लोग बताओ, रूट में कैसा वैस्कुलर बंडल दिख रहा है? तो हम आंसर क्या दिए? रूट में एक्सार्च वैस्कुलर बंडल है, रेडियल वैस्कुलर बंडल है, लेकिन स्टेम में इनडार्च वैस्कुलर बंडल है, और दोनों एक साथ है, एक ही रेडियस पे है, इसीलिए एक और टर्म यूज किए कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल है। तो दो तरह का अरेंजमेंट हम लोग देखे, एक रेडियल, रेडियल कहां मिला? रूट में। डायकॉट और मोनोकॉट दोनों ही रूट में, हम लोग मोनोकॉट का भी एक रूट बनाएंगे डायग्राम और देखेंगे, दोनों ही रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल मिला। रेडियल किसको बोले? जब जाइलम और फ्लोयम अलग अलग रेडियस पे पाया जाता हो तब इसको बोलेंगे रेडियल वैस्कुलर बंडल, और जब जाइलम और फ्लोयम एक ही रेडियस में पाया जाता हो तब इसका नाम रखते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। क्या नाम रखे इसका हम लोग? कंजॉइंट। जाइलम और फ्लोयम जब एक ही वैस्कुलर बंडल के अंदर मिलता है तो नाम रखे हैं कंजॉइंट। ये बात समझ में आ गई। अब फिर हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछता है, पिथ कहां मिलता है और कहां नहीं मिलता है? पिथ को देखो ध्यान से, सेंट्रल पोर्शन में एक डायकॉट के स्टेम में एक वेल डेवलप बड़ा सा एरिया है जहां पे पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। जहां पे सेंट्रली लोकेटेड पेरेन्काइमेटस टिश्यू है उसको कहते हैं पिथ वाला एरिया,
और हम लोग एक फॉर्मूला बनाए थे और कहे थे मिस्टर पिथ मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम कंटेन पिथ, मिस्टर डीएस कंटेन पिथ। ये हम लोग फॉर्मूला बनाए थे कि मिस्टर डीएस कंटेन पिथ, इसमें पिथ पाया जाता है। तो ये पहला डायग्राम किसका है? डाइकॉट के स्टेम का है ना। तो डाइकॉट के स्टेम एक वेल डेवलप पिथ दिखा रहे हैं, और दूसरा कहाँ दिखाना है? मोनोकॉट रूट में दिखाएंगे। इसका मतलब डाइकॉट रूट में नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ एक स्पेस छोड़े हुए हैं, और जब स्पेस छोड़े हैं इसका मतलब ये पिथ है। तो हम लोग कहेंगे इनिशियली, अब इसको और अच्छे से समझते हैं, मोनोकॉट रूट का भी डायग्राम बनाएंगे, इसमें वेल डेवलप्ड पिथ मिलेगा, लेकिन डायकॉट के रूट में भी पिथ शुरू में दिखता है। ये शुरुआत दिखा रहे थे हम लोग, लेकिन ज्यो ज्यो प्लांट ग्रो करता है पिथ के जगह पे कौन चला आता है? ये देखो मेटाजाइलम डेवलप करके आ गया पिथ के पास। इसीलिए इनिशियली पिथ तो था, लेकिन बाद में पिथ ऑब्लिटरेट हो गया, समाप्त हो गया। इसीलिए हम लोग ये कहे कि मोनोकॉट रूट में पिथ शुरू से अंत तक मिलता है, डाइकॉट के रूट में शुरू में तो दिख रहा था, जब ये वेल डेवलप हुआ तो पिथ मिलना बंद हो गया, खत्म हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया। तो ये हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को पैरेलली देख रहे हैं।